हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वेरीफाई बैच कैसे ले सकते हो, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे वेरीफाई बैच ले सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक वॉच करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले गए जा गए फ़ोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन हुआ। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन हुआ। उसके बाद आपको अपना थ्री डॉट पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको अकाउंट वाला ऑप्शन पर टैप करना है। अकाउंट वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जो भी आपका यूजर नेम है वहाँ पे शो कर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम भरना होगा। जो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर आपका फुल नेम है आपको वो भरना होगा। तो आप देख सकते हैं अपना नाम भी यहाँ पर भर लिया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप पर जाना है। डॉक्यूमेंट टाइप पर जाते तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर दे सकते हो। अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका नंबर दे सकते हो। तो चलिए हम नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको चूज फाइल पर उसका आपको फ़ोटो देना है। इस पर यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम अपलोड कर लिए। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पूरा करना होता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो जो भी आपका कैटेगरी, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। चलिए इसमें मेरा कोई नहीं था, हम इसमें अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद उसके बाद पूछ रहा है ऑडियंस ऑप्शनल। यहाँ पर आप चाहो तो भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। उसके बाद पूछ रहा है एजनो, आपको किस नाम से लोग जानते हैं। अगर कोई आपका निक नेम है कुछ भी तो यहाँ पे भर सकते हो। चलिए हम भर लेते हैं अपना नाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नॉन एज में भी भर लिए अपना नाम। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे करते हो तो आपके सामने लिंक का ऑप्शन आता है। एड आर्टिकल सोशल मीडिया अकाउंट एंड अदर लिंक। यहाँ पे बोल रहा है लोग आपको कोई और प्लेटफॉर्म के द्वारा जानते हैं, जैसे कि वो व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो आप उसका भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना YouTube का लिंक दे सकते हैं, देना चाहते हो। अगर आपका कोई YouTube चैनल है तो उसका भी लिंक दे सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो आपको इसी तरह से Instagram पे वेरिफिकेशन बैच लेना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।